भूलकर भी पुरुष ना करे। गुरुवार के दिन यह दो गलतियां गुरुवार के दिन करता है उसे आजीवन कासन का सामना करना पड़ता है। लिए चलो बताते हैं कौन कौन से कार्य करने से आपके दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जानने से पहले माता रानी जो कोई आपके चरणों में लाइक सब्सक्राइब करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं विष्णु जी को समर्पित होता है और गुरुवार गुरु ग्रह से प्रेरित होता है। गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन वैभव और यश कीर्ति देने वाले देवता है। इन्हें नाराज करके आप कभी भी अपने जीवन में खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन का सेवन करता है घर की महिलाओं को सताता है उन पर अत्याचार करता है या निर्जीव जी को मारता है उसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप इस दिन प्रातः कालन्हा कर सूर्य देव को जल चढ़ाकर विष्णु भगवान की आराधना करते हुए घर में सत्यनारायण की कथा या विष्णु भगवान का गुणगान करते हैं तो आपके समस्त सुखों की प्राप्ति होती है आपके जीवन में। अगर कोई ग्रह आपके अनुकूल नहीं है इन सात नाम की लड़कियों में अकल कम पाई जाती है। इन्हें अगर कोई काम सौंपा जाए तो यह कभी भी उसे सही समय पर पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि इनमें अखिल की कमी होती है। लेकिन यह लड़कियां दूसरों की सेकंड सर्कट बहुत करती है इसीलिए यह जीवन में कुछ नहीं कर पाती है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से नाम वाली लड़कियां होती है। उसके इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने दे। ये जानकारी आप जानते हैं वह कौन कौन से पहला अक्षर है एल दूसरा अक्षर है वो तीसरा अक्षर है जी चौथा अक्षर है एन पांचवा अक्षर है पी छठवां अक्षर है सी सातवां अक्षर है। ऐसे पैर वाली स्त्रियां होती है अत्यंत भाग्यशाली जिन महिलाओं के पैरों में यह पांच निशान होते हैं वह स्त्रियां माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है ऐसी महिलाओं का ससुराल होता है। तो लिए बंधु और जानते हैं जननी से पहले माता के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब करें अवश्य कर दे। नंबर एक जिन स्त्रियों के पैरों की नसें ना दिखाई देती है साक्षात लक्ष्मी के समान होती है। नंबर दो जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सरकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ देती है। नंबर तीन जिस महिला के बाप की हर उंगली की लंबाई समान होती है ऐसी महिला अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल करती है। दुर्भाग्य में बदलने का कोई भी कार्य नहीं बन रहा हो आप जो भी कार्य कर रहे हैं लड़का या लड़की के विवाह में समस्या आ रही हो या घर में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो तो आप यह उपाय कर लेना आपके समस्त कष्ट छुटकारा अवश्य मिलेगा। उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं आपको कोई भी समस्या हो तो आप करें यह एक काम लाल पेंसिल से छोटे अक्षरों में राम राम लिख लेना है उसको भी इस आटा में मिल लेना फिर छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को शाम के समय मिला देना आपको आपकी समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय शिव पुराण से लिया गया है सफलता अवश्य मिलेगी। जिस महिला में यह दो आदतें होती है उस महिला के घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है आए दिन घर में निर्धनता आती रहती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी है जिसके कारण महिलाओं के घर में बरकत आना बंद हो जाती है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसे समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। जो महिलाएं अपने ससुराल से अधिक अपने माँ के पक्ष के लोगों को ज्यादा प्रेम करती है। नंबर दो जो महिलाएं बात बात पर ससुराल पक्ष की हर शिकायत अपने मायके में कर दी और माँ के पक्ष लोग भी हर बात में बेटी का पक्ष में ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी खुशियाँ वापस नहीं आती। जिस महिला के हाथ में छह उंगलियाँ हो ऐसी महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली होती है। आइए जानते हैं छह उंगलियां वाली महिलाओं के विशेष लक्षण। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में श्रद्धा पूर्वक लायक और सब्सक्राइब समर्पण करे उसके घर आप खुशियों के भंडार भर देना। चलो जानते हैं शास्त्रों में ऐसा बताया गया है वैसे तो बहुत कम महिलाओं के हाथों में छह उंगलियां पाई जाती है लेकिन जिस भी महिला के हाथों में छह उंगलियां होती है तो दोनों हाथों की मिलकर 11 उंगलियां होती है ऐसी महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली होती है क्योंकि यह एक लकी नंबर होता है। जिस घर में भी इन महिलाओं का शादी और संबंध होता है उसे घर में महालक्ष्मी अपना पास बनाए रखती है और सदैव अपनी कृपा ऐसी महिलाओं पर लुटती रहती है। ऐसी महिलाएं बुद्धि में बहुत तेज होती पढ़ने में बहुत तेज होती है या तो यह सरकारी नौकरी करती है या बड़े पदों पर जाती है। इनकी एक विशेषताएं होती है यह बहुत नरम दिल की और साफ स्वभाव की होती है।